नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, दिफाए वतन और तरक्की में पाक फ़ौज का क्या किरदार रहा है। सलाम पेश करता हूँ सरहद पर शहीद होने वाले पाक फ़ौज के उन सिपाहियों को जो अपने लहू से हमारी आज़ादी के चिराग को जला रहे हैं और आग बरसाते सूरज और शोले उगलती ज़मीन पर अपनी बैरकों से दूर खुले आसमान के नीचे हमारी सरहदों का पहरा दे रहे हैं। और शदीद सर्दी में हम आराम की नींद सो रहे होते हैं तो पाक फौज का यही सिपाही जानलेवा मौसम में हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पर चौकस रहता है। और आज भी 18,000 फीट की बुलंदी पर बर्फ पोश चोटियों पर जहां दुश्मन की मौत बरसाती तोपों, ऑक्सीजन खत्म कर देने और सांसें निचोड़ देने वाले मौसमों की जद में ढाल बनकर खड़े रहते हैं, वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया पर एक बार फिर साबित कर दें कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम किसी भी अंदरूनी, बैरूनी, जुग्राफियाई और नजरियाती जारहियत का मुकाबला करने के लिए एक साथ मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। दुश्मन को अपने झूठे प्रोपोगंडों के जरिए अपने मजमूम मकासद में पूरा नहीं होने देंगे। इलावा अजी अवाम को इस बात का पता होना चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान चूंकि कौमी अफवाज है, इसलिए फौज का हर फर्द उनका अपना ही बेटा, भाई या बाप है और हर मुसीबत की घड़ी में कौम के नौजवान ये साबित कर चुके हैं कि उनका तन मन धन वतन अजीज के लिए वक्फ है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों ने टिड्डी दल के हमलों से लेकर सैलाबों और जलजलों जैसी नागहानी आफात में अपने भाइयों की मदद की है और अपने फराइज की बजा आवरी में अपनी जान की भी परवाह ना की, जिसके लिए कौम अपने मुजाहिदों की शुजात, शहदा और गाजियों के अजीम जज्बों की कदर करती है। हर आड़े वक्त में पूरी कौम और मुसल्ह अफवाज ने तंजीम और यकीन का लाजवाल मुजाहरा किया है। अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत तो पाकिस्तानी कौम के दिलो दिमाग में मुसलसल 72 साल से खून शहीदा से सींची गई है। यही वजह है कि मुहिब वतन अवाम अफवाज पाकिस्तान के बारे में गैर इखलाकी जुमलाबाजी या गालम गलोच को बुरी तरह रद्द करती है। अगर कोई मुल्क दुश्मन पाक फौज को बदनाम करना चाहेगा तो सबसे पहले इसे खाकी का तकद्दस मिटाने के लिए अवाम के दिलों में से रकम चोंडा से लेकर वागा तक एसारो कुर्बानी की दास्तानें मिटाना पड़ेंगी, या फिर पाकिस्तान की बुनियादों से लगे हुए शहीदों के लहू को निकालना पड़ेगा और कराची से कश्मीर तक बसने वाली उन माओं, बहनों और बेटियों के जहनों को बदलना पड़ेगा जिनके जवां साल बच्चों, शोहरों और भाइयों को अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने अपनी जानें देकर बचाया है। पाक फौज के सिपाही की लातदाद खिदमात के पेशे नज़र अवाम पर यह लाजिम है कि वो उसकी वर्दी का एहतराम रखे और इस वर्दी को सलाम पेश करे। मैदान जंग हो या मुल्क के अंदरूनी मामलात, पाकिस्तानी फौज ने हमेशा वतन अजीज का वकार बुलंद करने के लिए हद से ज्यादा खिदमात अंजाम दी हैं। 9/11 के बाद पाकिस्तान को बेहद नाजुक सूरतहाल का सामना था, चुनाचे ऐसे नाजुक लम्हात में वक्त के तकाजे को देखते हुए फौजी हुकूमत ने खसूसन मुल्क कौम के मफाद में सारी दुनिया को बावर करवाया कि आलमी अमन के लिए पाकिस्तान हर किस्म की कोशिशों का हिस्सा बनने की सलाहियत रखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना खोया हुआ मुकाम वापस पा लिया। और ये भी एक ठोस हकीकत है कि हमारी फौज दहशतगर्दी से निपटने के लिए बैनुल अक्वामी सतह पर पेश रही है और दहशतगर्दी के खिलाफ ऐलान जंग से ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जहां चंद शर पसंद लोग मौका का फ़ायदा उठाकर फितना परवरियों से न सिर्फ खित्ते का माहौल ख़राब करना चाहते हैं बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की साजिश में भी मसरूफ़ रहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी फ़ौज ने वतन अजीज़ में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज अपने मुल्क खसूसन सूबे खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में हर कीमत पर अमन की सूरतहाल को बेहतर बनाने के लिए गामजन है और वहाँ इंतहा पसंदी, फिरकावारियत और तालिबान तंजीमों के सबब अमन की सूरतहाल को जो खतरात लाहिक हैं उनसे निपटने के लिए बखूबी तमाम वसाइल बरोयकार ला रही है। इसमें कोई शक नहीं कि कबायली इलाकों में और दीगर सरहदों पर पाक फौज के बेशुमार जवान बहादुर जर्नैलों की निगरानी में न सिर्फ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि मुल्क की तरक्की में हर फौजी जवान अहम और मुअस्सर किरदार अदा कर रहा है। ये बात भी हर कोई जानता है कि पाक फौज जारहियत पसंद अनासर के मकरू अजायम
को नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखने के साथ साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी और जदीद असले से पूरी तरह लेस है। जबकि ये बात भी ढकी छुपी नहीं कि पाक फौज ने मुल्क की तरक्की के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। मुल्क को जब भी हंगामी हालात का सामना करना पड़ा है, हमेशा सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने फौज से मदद मांगी। कड़े इम्तिहानों और कठिन से कठिन हालात में इन इदारों ने अपने फराइज ईमानदारी और गैर जानबदारी से अंजाम दिए हैं और गैर यकीनी हालात का हल बहुत खुश असलूबी से निकाला है। इसमें कोई शक नहीं कि पाक फौज ने हमेशा करप्शन के खिलाफ एक अहम किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान की बुनियादों को दीमक की तरह चाटने वालों से बचाया है। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क और एक जौहरी ताकत है और हमारी मुसल्ला अफवाज हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह लेस है। इस वक्त पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, जबकि हमें अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर बहुत से खतरात का सामना है, लेकिन मुझे पुख्ता यकीन है कि पाक फौज और आवाम दोनों मिलकर इस नाजुक सूरत हाल का बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और एक सीसा पलाई दीवार की तरह इन मुश्किलात का सामना करें। अफवाज पाकिस्तान ने न सिर्फ ज़माने जंग बल्कि ज़माने अमन में भी पाकिस्तान की सरबुलंदी और तामीर के लिए अहम किरदार अदा किया है। बहसियत एक ज़िम्मेदार कौम ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अपने कायद के फरमान इत्तेहाद ईमान और तंजीम को हमेशा याद रखें और वतन अजीज़ की सलामती इस्तेहकाम दिफाए वतन और तरक्की के लिए हम वक्त कोशां रहें।